फ्रेंड्स, आई एम एनपी राकेश। वेलकम टू अनदर डे अनदर वीडियो। और आज मेरा भी टीओ हो गया है और मैं आज ही के दिन सुबह आया था, 3 बजे मैं साइन ऑफ किया था, तो अभी मेरा टीओ हुआ है। और क्यों हुआ ये भी मैं बताता हूँ। एक सिस्टम है जो कि इंडियन रेलवे फॉलो करता है हर रनिंग स्टाफ के लिए, चाहे आप गार्ड बनिए या फिर ALP बनिए या फिर लोको पायलट आप बन जाएंगे, तब भी यही सिस्टम फॉलो होता है। कहीं कहीं फेपो चलता है, कहीं कहीं प्रोग्रेसिव होता है। तो प्रोग्रेसिव सिस्टम में क्या होता है कि आपका जब घंटे कम बन जाएंगे तो आप जब भी आप अवेलेबल होंगे आफ्टर 16 आवर रेस्ट, उसके बाद आपका नंबर अगर आपके घंटे कम है तो आप सीधा 1 नंबर पे चले जाएंगे या उसके अकॉर्डिंग जो पहले से 1 नंबर है उसके नीचे आ जाएंगे। तो ऐसे आपका नंबर आ जाता है और आपका जैसे ही नंबर आएगा आपका एक कॉल होगा और आपको ड्यूटी के लिए जाना पड़ेगा। तो आज मेरे नंबर घंटे कम थे तो उसकी वजह से मैं टॉप में चला गया और मेरी अभी कॉल हो चुकी है, जो कि मेरा रेस्ट ऑफ टाइम 18:30 था लेकिन मेरा कॉल हुआ है 19:45 का टीओ मुझे मिला है। और आज मैं रायगढ़ जाने वाला हूँ जो कि मेन लाइन है और यहाँ से 162 किलोमीटर यहाँ से जर्नी आज कवर करने वाला हूँ। तो ये सब मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि आप भी जब ALP बनेंगे तो आपको पहले से पता रहेगा और आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका भाई आपको सारा डिटेल पहले से पता रहेगा। तो आपने अभी देखा कि प्रोग्रेसिव सिस्टम क्या होता है और इसमें कैसे ड्यूटी आती है। तो बस ये सिस्टम एक फॉलो किया जाता है और हम लोग के डिवीज़न में एक सिस्टम फॉलो किया जा रहा है जिसको प्रोग्रेसिव सिस्टम बोलते हैं। तो बस अभी TO हुआ है 19:45 का और बस यहाँ से मैं निकल जाऊँगा, 1 घंटा के पहले निकलूँगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस है मेरा लॉबी का। तो बस यहाँ से निकलना है और भिलाई का गाड़ी आज लेकर के जाना है। देखिए क्या BCN वगैरह मिलता है कि एम्प्टी बॉक्स मिलता है, क्या रेक मिलता है देखते हैं। और इसको लेकर के जाना है और उधर से आऊँगा तो मेरे घंटे बन जाएंगे ज़्यादा, तो फिर आपको मतलब रेस्ट मिलेगा मुझे अच्छा, क्योंकि अभी जो बुकिंग हो रही है वो कम आवर में हो रही है और मैं अगर आज अभी ड्यूटी जा रहा हूँ तो मेरे घंटे बन जाएंगे तो फिर मुझे रेस्ट अच्छा मिलेगा। तो बस यही एक सिस्टम फॉलो किया जाता है रनिंग स्टाफ के लिए और उसे के अकॉर्डिंग बुलाया जाता है ड्यूटी पे। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा हो आप बताइएगा। और यहाँ से सीधा रिलीफ हो गया और रात के यहाँ पे 4 बज गए थे, 4:30 हो रहे थे। तो यहाँ पे रिलीफ होने के बाद हम लोग यहाँ वेट करते हुए ट्रेन का, और देखिए यही रेक लेकर के मैं आया था यहाँ पे झारसुगुड़ा में। झारसुगुड़ा में रिलीफ होकर के गाड़ी कोई और क्रू लेकर के आके उस गाड़ी को लेकर के जा रहे हैं, यही रेक था पैनल रेल। और बस यहाँ वेट कर रहा हूँ ट्रेन का, जब ट्रेन आएगी तो यहाँ से पायलट निकल जाऊँगा और ट्रेन फाइनली कुछ वेट कर रहा है। और ये ट्रेन पकड़ के सीधा पायलट आ गया हम लोग और सीधा है। तो फ्रेंड्स, मेरा ड्यूटी ओवर हो गया है और कल मैं मतलब रायगढ़ के लिए निकला था, मगर मैं बोला कि बीच में ही मुझे रिलीव कर दिया गया झारसुगुड़ा से, मतलब मुझे रिटर्न आना पड़ा क्योंकि हम लोग के घंटे बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इस वजह से वहाँ पर रिलीव कर दिया गया। और यहाँ से सीधा हम लोग पायलट आ गए क्योंकि वहाँ से पायलट ही आना रहता है हम लोग को। पायलट मीन्स होता है कि आपको कोई भी गाड़ी में आप पैसेंजर में आ सकते हैं, आपको पास मिलता है, तो उस पास के थ्रू आप कोई भी मतलब AC थर्ड AC में आराम से आ सकते हैं। तो ये कल का ड्यूटी बहुत ही ओवरऑल अच्छा रहा और मेरे घंटे भी ठीक ठाक बन गए हैं, तो आज ड्यूटी आने वाली नहीं है। तो ये होता है प्रोग्रेसिव का मतलब फ़ायदा हो जाता है कि अगर आपके घंटे बन गए ज़्यादा तो आपको ड्यूटी नहीं आएगी, आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा मतलब घर में रहने के लिए। तो ये शेड्यूल होता है ALP का और लोको पायलट का भी यही शेड्यूल होता है और जो गार्ड बनने वाले हैं उन लोगों का भी यही शेड्यूल होता है। तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग सोचते होंगे कि ड्यूटी इसमें बहुत ज़्यादा करवाते हैं, उस हिसाब से फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें आपके जैसे अकॉर्डिंग टू मतलब ड्यूटी जैसे रहेंगे आपको ऐसा इसमें रेस्ट मिलेगा। तो आप ये मत सोचिए कि इसमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा आपको। और कल जो मेरी गाड़ी थी वो आपका पैनल ट्रेल होता है, मतलब कि आपका वो जो रेल मतलब लगते हैं पटरी जो रेल रहता है स्टील का, उसको लेकर के जाना था और वो MT रेक था और उसकी स्पीड बहुत कम थी 40 KMPH, इस वजह से गाड़ी ज़्यादा नहीं चल पाई। तो इस वजह से हम लोग के घंटे ज़्यादा हुए तो रिलीव कर दिया गया और ओवरऑल अच्छा रहा ड्यूटी। और बस अभी आ करके
घर पहुंचा हूं और आप लोगों से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। तो और लोग पूछते हैं कि लोको मतलब कैसा है, क्या है। तो लोको कल आप मुझे 3 फेज मिला था, जो कि 41 वाली सीरीज थी और बहुत ही अच्छा लोको माना जाता है। WG9 HCO लोको का नाम है और बहुत ही अच्छा था। तो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा इमेज। तो आपका बहुत ही अच्छा रहा कल का ड्यूटी, और बस अभी रेस्ट करना है, 15 आवर रेस्ट करना है। उसके बाद मेरे घंटे ज़्यादा है तो मेरे कॉल होने वाले नहीं है। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ, और अगर आपको अच्छा लगा होगा एक्सपीरियंस मेरा ड्यूटी का एक्सपीरियंस एलपी का, कि क्या क्या ड्यूटी होता है। और मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगा कि जो भी मैथ की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि टाइम एंड वर्क और ट्रेन जो प्रॉब्लम होते हैं ट्रेन वाले, उनको जल्दी जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं बताऊँगा आपको। ऐसा अच्छा लगा होगा तो आप मुझे, जैसे अच्छा लगे तो अपने भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।